दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित दीनदयाल अंत्योदय भवन की 5वीं मंजिल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर। बाबरी मस्जिद अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में मध्यस्थता हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज। रफाल डील को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। चौतरफा दबाव से फिर झुका पाकिस्तान, आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद्दावा और FIF समेत 70 संगठनों पर बैन लगाया। जैश प्रमुख आतंकी मसूद अजहर के बेटे भाई समेत 44 आतंकवादी हिरासत में, भारत ने कहा यह आतंकियों की हिफाजत का बहाना। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेताओं का एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को भुनाना जारी। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने कहा कार्रवाई पाकिस्तान में हुई, सदमा भारत में कुछ लोगों को है। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी कैमरे के लिए जीते हैं, हर चीज को इवेंट बना देते हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़के, कहा कांग्रेस बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, चुनाव में इन्हें जनता हराएगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के अमृतसर में किसानों का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 22 ट्रेनें रद्द, 24 ट्रेनों का रूट बदला। अमेरिका का पाकिस्तान को बड़ा झटका, अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा की समय सीमा 5 साल से घटाकर 3 महीने का किया। और वनडे में टीम इंडिया की 500वीं जीत, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे, भारत सीरीज में 2-0 से आगे।